हाय बहनों, वेलकम टू माय ब्यूटी चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माय स्किन केयर रूटीन। मैं अभी पार्टी से आई हूँ, तो आज मैंने सोचा कि चलो मेकअप हटाते मैं एक स्किन केयर वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आप पानी पीऊँगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसे दिखाने के लिए पी रही हूँ, बट अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करती नहीं है और अगर आप मेकअप बहुत करती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पानी बहुत पियो। क्योंकि पानी मैं वैसे भी बताऊंगी कि आपको पीना चाहिए, इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। आपका पेट साफ रहेगा तो आपका फेस साफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लैशेस यहाँ पे हटा दिए हैं और ये कॉन्टैक्ट लेंस मैं यहाँ पे हटा रही हूँ। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनती हैं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। मैं आई एम लाइक सुपर ऑब्सेस्ड विद कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब यहाँ पे मैं आपको दो मेकअप रिमूवर दिखा रही हूँ, एक जॉनसन बेबी ऑयल है और एक है पॉन्स का माइसिला वाटर, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। बट मैं वैसे रेगुलर बेसिस पे मैं जॉनसन बेबी ऑयल यूज़ करती हूँ मेरे मेकअप को हटाने के लिए। अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप होता है तो जॉनसन बेबी ऑयल वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। और ये जो माइसिला वाटर है, ये स्पेशली मैं कहूँगी कि आई मेकअप के लिए काफ़ी अच्छा है, एज वेल एज फुल फेस हटाने के लिए भी अच्छा है मेकअप को। बट या कभी कभार मतलब दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे मैंने जॉनसन बेबी ऑयल से देख लो आप पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है। एंड जो ग्लिटर आई मेकअप होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं ऑयल से। एंड येस, मस्कारा हो गया, काजल अगर आप लगाते हैं तो काजल भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। अच्छे से यहाँ पे मसाज दे रही हूँ। एंड देन ये मैं चीको का यूज़ कर रही हूँ क्लेंजिंग वाइप्स। वाइप्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप जॉनसन का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। जॉनसन के साथ ना एक के साथ एक फ्री आता था, अभी नहीं था तो इसलिए मुझे ये नज़र आ गया, इसमें एक के साथ एक फ्री था तो मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया। तो दोनों ही अच्छे हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा वाइप्स। तो यहाँ पर मैं अच्छे से जो ऑयल मेरे फेस पर है ना, उसको मैं हटा रही हूँ। और वाइफ के हेल्थ से बहुत अच्छे से जो मेकअप होता है वो भी हट जाता है, ज़्यादा मतलब ग्लिटर्स वगैरह होंगे फेस पे लगे हुए वो भी हट जाएंगे। एंड देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। अब फेस वॉश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डी डर्माको का है सेली साइनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और अभी मेरे छोटे छोटे से दाने हो रखे फेस पे, तो इसे मैं ये यूज़ करूँ क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है। इसको अप्लाई करने के बाद मैं अच्छे से वॉश करके आ गई हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं यही यूज़ करती हूँ फेस वॉश, मेरा चेंज होता रहता है फेस वॉश, ठीक है। तो अभी मेरे हाथ में जो लग गया मैंने वो यूज़ कर लिया। अब फिर इसके बाद यहाँ पे मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ जो कि मामा अर्थ का है, ये टिंट है वैसे। अब मैं ये कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, मैं चीक पे भी यूज़ करती हूँ, लिप से भी अप्लाई कर लेती हूँ। ऑलराइट बहनों, तो अब मैं बनाने वाली हूँ बीट रूट फेस मास्क। और ये मैंने बीट रूट ले लिया है और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी एंड टर्मरिक पाउडर है। दोनों को मिक्स करके ग्राइंड करके अच्छे से ये देखो पेस्ट अच्छा खासा बन गया है। अब मुल्तानी मिट्टी और टर्मरिक का पेस्ट मैंने इसलिए लिया है पाउडर, ताकि ये मेरी स्किन के अगर जो डैमेज एरिया है उसको ठीक करे, एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करने के लिए, डेड स्किन सेल्स को ठीक करने के लिए, एक्ने जो फॉर्म होते हैं हमारे फेस में उसको ठीक करने के लिए। एंड ऑल्सो जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है ये एल्ब्स क्विटनेस का था, जो कि 100% ऑर्गेनिक है एंड ऑल्सो ऑल स्किन टाइप पर सूट करेगा। और बीट रूट आपको पता ही है, बीट रूट वैसे भी बहुत अच्छा है अगर आप ऐसे ही खा लेंगे रॉ, और फेस पे भी अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा ग्लोई स्किन बना देगा। एंड या तो ये थोड़ी देर मैंने रखा इसे 15 से ज़्यादा ही रखा था, आधा घंटा रख के फिर यहाँ पे ना वो सूख सा गया था फेस पे। तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी, ये थोड़ा ना रिमूव नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने वॉश ही कर लिया था। सो वॉश करके मैं आ गई हूँ और जैसे मैंने वॉश किया मेरे फेस पे जो ग्लोईनेस आया है ना, आई लव्ड इट। एंड मतलब फेस पूरा हाइड्रेट हो गया है और डल स्किन हो रखी थी बहुत ज़्यादा, एकदम से निखार आ गया फेस पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, लग रहा है ना कि थोड़ा सा निखार आ गया मेरे फेस पे काफ़ी दिनों से ना थोड़ी सी डल हो रखी थी स्किन। तो ये जो फेस पैक मैंने बनाया है, ये कभी कभार मैं DIY करती रहती हूँ घर में, और घर के ही रेमेडीज़ जो हो गई ना चीज़ों से बनाती रहती हूँ। कभी कभार टोमेटो का बना देती हूँ, कभी केले का हो गया, कभी चावल का हो गया। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये पॉन्ड्स का सीरम। सीरम आप जो आपको सूट करता है वो अप्लाई कर लो, ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये स्पॉटलेस ग्लो देता है एंड काफ़ी हाइड्रेटिंग
ग्लोइंग बना देता है स्किन को। तो इसको अप्लाई करती हूँ ना जो फेस पे, उसके बाद मैं मसाज देती हूँ अपने फेस को। अब मसाज देने के लिए आप फेस रोलर भी यूज़ कर सकते हैं या अपने फिंगर के हेल्प से ही मसाज दे सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं सीरम अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जस्ट अपने फिंगर से ही मसाज दे रही हूँ। ट्रस्ट मी बहनों, बहुत ही सुंदर ग्लो देता है ये, डबल ग्लो कर देता है। वैसे तो फेस पैक से ग्लोनेस आ ही गया था, बट इसके बाद डबल ग्लो आता है क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन सी है एंड ग्लूटा बूस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र के लिए, ये फेस शॉप का है राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग इमल्शन। ये मैंने अपने काफ़ी मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस में भी आपको दिखाया है, फॉर डूइंग मेकअप मैं ये अप्लाई करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये ग्लोनेस देने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप डेली वेयर के लिए चाहते हैं क्रीम मॉइस्चराइज़र, देन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। ये जेल बेस्ड क्रीम मॉइस्चराइज़र है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, इट्स वे टू लाइट वेट। और इसको अप्लाई करने के बाद आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा और ज़्यादा ग्लो आ गया है। मतलब आज का जो ये स्किन केयर होने वाला है, ये होने वाला है फुल ऑन ग्लोनेस अगर आपको चाहिए अपने फेस पे। सो इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, ये फेस रोलर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है अगर यू आर अबव 20, तो आप डेफिनेटली ये फेस रोलर स्टार्ट कर दो यूज़ करना, क्योंकि ये आपके फेस को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा एंड ऑल्सो आपकी स्किन को टाइट रखेगा, और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना स्किन में, उसको ये जेनरेट करता है। एंड ऑल्सो आपके पूरे फेस पे ना एक ग्लोनेस, पिंकीनेस ऐसा लुक आ जाएगा इसको अप्लाई करने के बाद, इसको यूज़ करने के बाद। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से जॉ लाइन पे देती हूँ मसाज, चीक बोन्स पे देती हूँ, फोरहेड पे, आईब्रोज पे, नेक पे, एंड दिस इज अमेजिंग। ये फेस रोलर बेस्ट है, ये मैंने अमेजोन से लिया है। एंड या इसको अच्छे से मसाज देने के बाद मेरे फेस पे एक होता है ना कि स्ट्रेस, वो भी भाग जाता है एंड ऑल्सो स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है मेरे फेस पे। सो या दिस इज माई स्किन केयर रूटीन बहनों, तो यही मैं कभी कभार फॉलो करती हूँ। एंड आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना फुल ऑन ग्लोनेस आ गया है, एंड आई कम्प्लीटली लव्ड इट। सो या आई होप आपको भी पसंद आया हो मेरा आज का ये स्किन केयर रूटीन यूजिंग बीटरूट एंड मुल्तानी मिट्टी एंड टर्मरिक। एंड आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये मैं आपको बता दूँ, बीटरूट एंड मुल्तानी मिट्टी एंड टर्मरिक का जो मैंने फेस पैक बनाया है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। मैं कहूँगी फॉर ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट वर्क करेगा, एंड एक्नी प्रोन स्किन के लिए। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बहनों, आई होप यू इन्जॉय टुडेज़ वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कॉमेंट करके जरूर बताएगा कैसा लगा आपको आज का मेरा ये स्किन केयर रूटीन। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू।